हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में राइट क्लिक मेन्यू के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने फोटोशॉप को ऐड किया हुआ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे कंप्यूटर में जो है फोटोशॉप रन हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आप नोटपैड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे, एमएस एक्सेस जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे, वर्ड, एक्सेल या और भी कोई एप्लीकेशन होगी जिसको आप जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उस एप्लीकेशन को हम जानेंगे कैसे आप राइट क्लिक मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फोटोशॉप को ऐड किया हुआ है। सबसे पहले इस काम को करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना है, इस बात को जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जो स्टेप मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सिर्फ आपको वही स्टेप्स जो है परफॉर्म करने हैं, ठीक है। इसके सिवा आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप जो है परफॉर्म नहीं करना, वरना आपका कंप्यूटर जो है ख़राब हो सकता है। मैं आपको पहले बताऊँगा, होगा नहीं लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं इन स्टेप्स में जो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है जिस एप्लीकेशन को यहाँ सेट करना है उस एप्लीकेशन को फाइंड करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ फोटोशॉप ऐड किया हुआ है, ऐसी मैं यहाँ पे जो है एमएस पेंट को ऐड करना चाहता हूँ। आपके केस में एप्लीकेशन दूसरी हो सकती है, ठीक है। आप जिस एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हैं वही वही स्टेप्स जो है आपको उस एप्लीकेशन के लिए करने हैं। मैं अपने केस में यहाँ पर एमएस पेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को एमएस पेंट जो है फाइंड करना है अपने कंप्यूटर में, उसकी फाइल लोकेशन आपको ओपन करनी है, ठीक है। फाइल लोकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ देखना है, ये शॉर्टकट तो नहीं है, हमें चाहिए exe फाइल, ठीक है। ये यहाँ पे शॉर्टकट है, तो इसका मतलब कि हमें फिर दोबारा इस शॉर्टकट के फाइल लोकेशन पे जाना है। तो इसके लिए आपको फिर से दोबारा राइट क्लिक करना है और फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। अब आप इसकी देखिए exe पर आ गए हैं, इसका मतलब कि ये ओरिजिनल फाइल है एमएस पेंट की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर एड्रेस बार पे जाना है और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ के एड्रेस को, और विंडो को कर देना है मिनिमाइज़। कॉपी करने के बाद आपको रन में जाना है और यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना है। कमांड है इसकी regedit, ठीक है। रजिस्ट्री एडिटर इससे जो है ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्री एडिटर ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ही फ्रेंड्स जो मैं काम करने वाला हूँ, तभी आपको मैं पहले वार्निंग दे दी थी कि अगर आप थोड़ा भी जानते हैं कंप्यूटर को तभी आप यहाँ पे एडिटिंग करिएगा। जिस जिस फाइल में मैं यहाँ छेड़ाखानी करूँगा सिर्फ उसी फाइल में, बहुत सारे लोग जो है दूसरी फाइल के अंदर छेड़ाखानी कर सकते हैं और उनका जो है प्रोग्राम चलेगा भी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सेम वही काम करना है जो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँगा। आपको जो है यहाँ आने के बाद आना है एच की क्लासेस रूट पर और इसको जो है एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा डायरेक्टरी के नाम से, ठीक है। ये देखिए हमें फ़ोल्डर मिल चुका है डायरेक्टरीज़ के नाम से, डायरेक्टरी फोल्डर को आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नाम का एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा, इसको भी आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद आप ये देखिए आपको यहाँ शेल मिलेगी, शेल पर आप एक्सपेंड कर दीजिए और शेल को आप क्लिक करके रखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेरे को यहाँ पे एमएस पेंट को ऐड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शेल पे जो है राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाऊँगा और की पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को फाइल का नेम डालना है, तो फाइल का नेम है एमएस पेंट, ठीक है फ्रेंड्स। एमएस पेंट फाइल का नेम है, और जब एमएस पेंट क्रिएट हो जाए तो एमएस पेंट पे क्लिक करके रखना है आपको, और ये जो डिफ़ॉल्ट नाम का ये जो यहाँ पे रजिस्ट्री दिख रही है इस पर आप क्लिक करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने पे आपको जो स्ट्रिंग्स एडिट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको जो है एमएस पेंट लिखना है, ठीक है। एमएस पेंट लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है ओके, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना है। अब आपको एमएस पेंट पे ही क्लिक करके राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, की पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपको कमांड नाम का फोल्डर बनाना है, COMMAND, ठीक है। सेम नाम से ही फोल्डर बनाइएगा फ्रेंड्स, और किसी नाम से मत बनाइएगा,
कमांड नाम का फोल्डर बनाना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्री में स्ट्रिंग को एडिट करना है और यहाँ से जो हमने पहले एड्रेस कॉपी किया था उस एड्रेस को कर देना है पेस्ट। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़िलहाल में फ्रेंड से गलती कर रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें, आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप बाद में बोलेंगे कि वीडियो ने वर्क नहीं किया है, आपने जो ट्रिक बताई है अच्छे से वर्क नहीं हुई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, लोग ऐसे ही नॉर्मली यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मिनिमाइज़ करना है आपको और यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको MS Paint देखने को मिल जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड जो है ये एरर जो है आपको देखने को मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने जो है आपको ये प्रॉब्लम जो है ना ये गलती करके दिखाई है। आपको दोबारा से रजिस्ट्री एडिट पर जाना है और आपने जहाँ से इस फाइल का जो पाथ कॉपी किया था, यहाँ से देखिए हमने कॉपी किया था ना System32, अब यहाँ आने के बाद आपको MS Paint पे राइट क्लिक करना है और इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ पर आपको जाना है। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस फाइल का ओरिजिनल नेम आपको देखने को मिल जाएगा, mspaint.exe। इसको आपको कॉपी करना है जो इसका प्रोग्राम नेम है। प्रोग्राम नेम कॉपी करने के बाद आपको रजिस्ट्री एडिटर में आना है, कमांड पे क्लिक करना है, इसकी वैल्यूज़ में जाना है और जहाँ पे System32 है यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश देना है और यहाँ से जो हमने mspaint.exe हमने वहाँ से प्रोग्राम नेम कॉपी किया था उस प्रोग्राम नेम को कॉपी करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको आ जाना है, सभी एप्लीकेशन जो भी आपने रन कर रखी है सब बंद कर दीजिए, आपको डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, MS Paint आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए MS Paint जो है हमारा ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी कमांड के यानी किसी भी एप्लीकेशन को जो है राइट क्लिक मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेक्निक है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और एक बात और, रजिस्ट्री में आपने जहाँ जहाँ चेंजेस किए हैं सभी को आप कोलैप्स कर दीजिए यानी बंद कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप रजिस्ट्री को ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइल्स ऐसा ना हो कि आप डिलीट कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कंप्यूटर की, तो इसको छेड़खानी आप मत कीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ वही स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।